और इसी बीच बड़ी खबर, करौली में नव संवत्सर पर तनाव का माहौल देखने को मिला है। नव संवत्सर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव हो गया है। 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी गई है। 2 बाइकों को भी आग के हवाले किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर करौली से, जहां नव संवत्सर पर तनाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिस पर पथराव हुआ है और 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से इन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, भीषण आग लगाई गई है। बाइक रैली पर पथराव भी किया गया और 6 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें करौली की हैं, जहां तनाव आज देखने को मिला है नव संवत्सर के मौके पर। और चलिए आशीष फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आखिरकार ये लोग कौन थे जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने दुकानों पर आग लगाई, क्या कुछ इन लोगों के बारे में जानकारी मिली और आखिरकार तनाव के पीछे का कारण क्या कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए, अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्या कारण रहे, क्यों पथराव किया गया, लेकिन नव संवत्सर के मौके पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है वो रैली निकाली जा रही थी, बाइक रैली। हाँ। फूटाकोट से, शहर के फूटाकोट से हटवारी की तरफ बढ़ रही थी। हाँ। इस दौरान पथराव हुआ हटवारा क्षेत्र में, जहां पर कई बाइक सवार जो थे वो घायल हुए हैं। हाँ। उन्हें सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया है। तकरीबन 15 से 20 जो है इस पथराव में घायल हुए हैं, जिन लोगों को करौली जिला सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया है। इसके बाद में जो है तनाव माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया और उसके बाद में जो दुकानें हैं उनको भी आग के हवाले किया गया। अभी क्या स्थिति बनी हुई है आशीष मौके पर? जी देखिए, एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया खुद मौके पर मौजूद हैं। कई थानों का पुलिस जाप्ता जो है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, शांति व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करौली से इस वक्त, और अभी जिस तरीके से जी मीडिया संवाददाता ने ये जानकारी दी कि पता अभी तक नहीं चल पाया है कि किन कारणों की वजह से, किस कारणवश ये आग लगाई गई है, क्यों आखिरकार ये तनाव मौके पर पैदा हो गया, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन शहर में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया है। एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं और समझाइश की कोशिश की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है और भारी पुलिस जाप्ता जो है वो मौके पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया सहित जो भारी पुलिस जाप्ता है वो मौके पर पहुंच चुका है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है मौके पर कि किसी भी सूरत में जो ये स्थिति है और तनावपूर्ण ना हो जाए, इसलिए खुद जो एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से समझाइश की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे हादसे के बाद, इस पूरी घटना के बाद लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है और 6 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। काफी नुकसान दुकानों को हुआ है, सारा सामान जलकर राख हो गया है। कई लोग जो है बाइक रैली पर भी, क्योंकि पथराव किया गया तो कई लोग जो है वो भी घायल हो गए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। और इन सब चीजों से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, सड़कों पर भी लोग देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का जाप्ता मौके पर तैनात है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और आप देखिए तस्वीरों में जो लोग हैं, लोगों के साथ साथ पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज मौका था नव संवत्सर का। आशीष, देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि कई लोग भी इसमें घायल हुए हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? और क्योंकि देखिए, सबसे पहले तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो पथराव किया गया, तो क्या अभी तक इन लोगों की पहचान हो पाई है कि कौन ये लोग थे जो पथराव कर रहे हैं? जी आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे आशीष से और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो ये लोग हैं मौके पर मौजूद रहकर पथराव कर रहे हैं। आशीष एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं पथराव कर रहे हैं मौके पर, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे पर पथराव किया जा रहा है, क्या अभी तक इन लोगों की पहचान हो पाई है पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी तक इस मामले में पुलिस अधिकारी किसी भी बात को बताने से दूर हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों की पहचान नहीं हुई है। मौके पर भारी पुलिस जाप्ता जो है वो तैनात किया गया है। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया खुद फूटाकोट क्षेत्र में
गश्त कर रहे हैं। कई थानों के पुलिस जवान जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, कई थानों के थानाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। शांति व्यवस्था के लिए और समझाइश के लगातार प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बाइक रैली जब पथराव हुआ तो दोनों ही पक्षों द्वारा पथराव किया गया। हम हमारे जो वीडियो है उनमें साफ तौर पर देख सकते हैं पथराव किया जा रहा है, आगजनी की घटना की गई है। गुस्साए लोगों ने दुकान को फूटाकोट क्षेत्र में आग भी लगाया था। तकरीबन 6 दुकानें हैं जिनको आग के हवाले किया गया, साथ ही 2 मोटरसाइकिल हैं जिनको भी आग के हवाला किया गया। पुलिस मौके पर मौजूद है और शांति और समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी, 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी गई, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है मौके पर और जाहिर सी बात है लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा होगा मौके पर। किस तरीके से समझाइश की जा रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या किसी पर शक या क्या कैसे प्रथम दृष्टिया से मामला लग रहा है? देखिए अभी बाजार बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, सभी दुकानें जो है बंद हो चुकी है। जो दुकानें आग के हवाले हुई है वो फायर ब्रिगेड के माध्यम से उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है। इस घटना में तकरीबन 15 से 20 लोग जो है वो पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, जिन्हें करौली जिला सामान्य चिकित्सालय में पहुंचाया गया है। पुलिस जो है आगजनी की घटना को जो फायर ब्रिगेड है उसके माध्यम से आग को बुझाने के प्रयास लगातार कर रही है। साथ ही दूसरी ओर जो जिन्होंने पथराव किया था उस क्षेत्र में भी गश्त कर रही है जिससे कि शांति व्यवस्था कायम हो सके। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा आशीष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका।